राधे राधे बाबू राधे राधे। चल फूला रे फूलों को, ये जो गाना मैंने गाया जो कि बहुत बेसुरा था। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी होंगे, सदा खुश रहना। अभी सुबह के बज रहे 8, तो मेरे सुबह का रूटीन वाला सारा काम हो चुका है। आज हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व फूल देई का पर्व है, जिसे कि हमारे वहाँ पे फुलसिग्यान बोलते हैं। तो फुलसिग्यान की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। और आज से हमारे उत्तराखंड में चैत्र का महीना शुरू हो जाता है, और इस महीने कोई शादी ब्याह कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। अभी मैं हूँ किचन में, तो आज फुलसिग्यान के उपलक्ष्य में हमारी बन रही है खीर। ये खीर मैंने नहाने के बाद चढ़ाई थी, उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा दिया बत्ती करा था, क्योंकि जो ये खीर बन रही है ना, इसका भोग मैं अपने लड्डू गोपाल को भी लगाऊंगी और अपने इष्ट देव के नाम से मंदिर में भी भोग लगाऊंगी। और इधर बन रही है चाय, क्योंकि स्नान किया है और उसके बाद पहले चाय पी लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा खीर में समय है, और उसके बाद भोग लगाने के बाद फिर हम भी खीर का प्रसाद पाएंगे। तो आज के दिन हमारे जो संक्रांत बनती है, तो बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं गांव में, और मैं यहाँ पे भी बनाती थी। और दिनों पूरी, हलवा, आलू की तरी, जो भी इच्छा होती है अपने प्रसाद पाने की, तो हम बनाते थे। लेकिन मेरे पिछले एक महीने से तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से कि मैं पूड़ियाँ या ऐसे तली चीज़ें तो मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, पराठा पराठा, पर इसकी वजह से फिर बच्चों ने भी कहा कि नहीं, पूड़ियाँ खाने का मन नहीं, आप खीर बना दो, खीर या हलवा बना दो। मैंने कहा चलो खीर बना देती हूँ। तो आज बहुत सारे पकवान बनते हैं गांव में भी, ठीक है। तो इस तरह के पकवान जो कि हम अपने इष्ट जी को भी भोग लगाएं, तो वो पकवान सारे आज बनाए जाते हैं। तो किस तरह इस त्यौहार को मनाया जाता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि जो उत्तराखंड के हैं उन्हें तो मालूम है, और मेरी वीडियो को बहुत से लोग और भी देखते हैं जिनको इस संक्रांत के बारे में, इस त्यौहार के बारे में पता नहीं है, तो उन लोगों को मैं बताती हूँ। और बातें तो होती रहेंगी, पहले आप हमारे घर के मालिक यानी कि हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लो। देखो कैसे बैठे हुए हमारे ठाकुर अपने सिंहासन पे, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इन्हें आज मैंने पीले वस्त्र पहना रखे हैं, क्योंकि फुलसिग्यान जो है चैत्र बसंत ऋतु का आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इस दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं। तो मैंने अपने ठाकुर जी यानी मेरे वासु को भी आज पीले वस्त्रों से सजाया हुआ है। तो कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, और भोग अभी बन रहा है बाबू, ठीक है, फिर भोग लगाएंगे। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। इनको थोड़ा सा बैठने में ना, ये जो इनका ड्रेस है थोड़ा सा भारी है, बैठने में इनको सिंहासन में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सिंहासन जो है ना इनका एकदम वैसा है गुदगुदा, जिसमें बैठने में पूरे नीचे धंस जाते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है इनका गर्दन उठा हुआ है, पता नहीं वीडियो में क्यों और लग रहा है ऐसा, पर ये ऐसे नहीं है, बैठे हैं, आराम से बैठ रखे हैं ना बाबू, आराम से बैठे हो ना, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहे हो आप, ऐसे बिल्कुल ऐसे गर्दन उठी हुई है आपकी, पर ये आराम से बैठे हुए हैं। राधे राधे बोलना आप सभी लोग इनको, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो पगड़ी उनकी, ये इनके पीछे चला गया, और ऐसे ऐसे है ये, राधे राधे बाबू राधे राधे। चल फूला रे फूलों को, सौदा सौदा फूले बिरौला, भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा, भौरों का जूठा फूल ना लाया। तो ये जो गाना मैंने गाया जो कि बहुत बेसुरा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना। फुलारी यानी कि फूल तोड़ने वाले, जो बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं उनको बोलते हैं कि तुम फूल लेने जा रहे हो, साफ़ सुथरा फूल लेके आना, जो भौरों का जूठा होगा उस फूल को तोड़ना नहीं, उस फूल को मत लाना। तो इस गाने का मतलब ये है, फूल देई का त्यौहार है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसे बसंत ऋतु के शुभ आगमन पर मनाया जाता है, क्योंकि गेहूं की खेती जो है वो तैयार हो जाती है, यानी कि गेहूं की फसल तैयार होती है, और सरसों जो भी खेत में बोया जाता है फसल, वो तैयार होने के कगार में होती है, और बसंत ऋतु का आगमन होता है, नए नए कलियां कोपले आती है पेड़ पौधों पे, और जो अगली ऋतु की जो फसल होती है हमारे उत्तराखंड में, उसकी भी तैयारियाँ
बसंत पंचमी के दिन से की जाती है, तो वो भी अनाज जैसे हमारे वहाँ पर मिर्च बोई जाती है, धान बोए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी फसल होती हैं जो गर्मी के आने से पहले बोए जाते हैं, तो उसकी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। और अब बताती हूँ कि इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं। बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं घर में, और घर में दिया बत्ती, पाठ पूजा सब किया जाता है। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे यानी कि एक दिन का बच्चे से लेके 10-12 साल तक के बच्चे यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों इसमें शामिल होती हैं, यानी कि कल जो कल चला गया वो फूल लेके आते हैं, छोटी छोटी टोकरियां उनके हाथों में दे देते हैं उनके माता पिता, और उन टोकरियों में वो जाते हैं खेतों की तरफ। जो फूल हमारे ज़माने में लाए जाते थे तो वो फूल हमारे खेतों में होते थे, खेत मैंने हमारे उत्तराखंड में अधिकतर खेत जो होते हैं सीढ़ी नुमा होते हैं, यानी कि यहाँ पे खेत है, फिर इसके ऊपर खेत होगा, फिर इसके ऊपर खेत होगा, ऐसे खेत होते हैं। तो इस यहाँ पे खेत है और इस खेत के यहाँ पर दीवार होती थी, तो इन दीवारों पर और इस खेत की इस मेड़ पर वो फूल उगते थे। तो फूल जो होते थे ना बिल्कुल एकदम पीले कलर के होते थे, तो उन फूलों को बच्चे तोड़ के लाते थे अपने टोकरियों में भर के, और फिर सुबह जाते थे क्योंकि रात में मतलब दिन में तो सारे फूल गांव के बच्चे तोड़ के ले आए, फिर रात रात में फूल कुछ कुछ फूल फिर तैयार हो जाते थे, फिर सुबह सुबह बच्चे फिर जाते थे, तो जो सुबह ताज़े फूल होते थे उन फूलों को अपने मंदिर में और अपनी देहली पर वो फूल को चढ़ाते थे छोटे बच्चे। फिर उसके बाद एक दिन का बच्चा से लेके तो वो एक दिन के बच्चे की टोकरी उसके भाई बहन, अगर भाई बहन ही है सबसे बड़ा बच्चा या बच्ची है घर में तो उसकी दादी, अगर दादी भी नहीं जा पा रही है क्योंकि गांव में पहले ज़माने में बहुत काम होता था खेतीबाड़ी का, तो किसी और बच्चे को अपने फैमिली के किसी बच्चे को या फिर अपने पड़ोस में जो बच्चा है उसको दे देते थे, तो उसकी टोकरी भी उसके नाम से उस दिन शुरू की जाती थी। तो जो नया बच्चा होता था जिसकी पहली बार वो टोकरी लगती है तो उसके टोकरी में उसके घर से ही पैसे और जो भी घर में पकवान बना रखा उस पकवान को रख के और उस टोकरी को भेजा जाता था। अब जो बच्चे घर घर जाते थे तो घर की देहरी पे बच्चे आते थे तो वो जो टोकरी में फूल रखे ना उन फूलों को ऐसे देहरी पे ऐसे चढ़ाते थे। घर में जितनी देहरी होती थी यानी कि किसी का एक ही कमरा है तो एक देहरी होगी तो उसके एक देहरी में, जिसके 4-5 हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं गांव में मतलब बहुत ज़्यादा कमरे होते हैं तो सभी देहरियों में बच्चे जाते थे तो फूल ऐसे चढ़ाते थे अपने छोटे छोटे हाथों से और बोलते थे कि हमारी टोकरी भर जाए, मतलब अपनी भाषा में एक बार बोलती हूँ फिर आपको हिंदी में बताऊँगी कि फूले 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 हमार टुपर भरे जी तुम्हार भकार भरे जी, इसका मतलब है हिंदी में कि मैं फूल चढ़ा रही हूँ आपकी देहरी पर, आपके घर में जो है अनाज के भंडार भर जाएं और मैं जो ये छोटी सी टोकरी लाई हूँ आप इसे भर दो। तो देखो ना बच्चे कितने सच्चे होते हैं, उनकी चाहत उतनी है कि मैं जो टोकरी ला रखी हूँ आप इसे भर दो और आपके घर में पूरे भंडार भर जाए। तो भंडार घर में जो होता था अनाज का तो वो उसे बोलते थे पहाड़ी भाषा में, हमारे उधर उसे भकार बोलते थे। भकार यानी कि जैसे कि आजकल बेड बना दिए तो इसी नुमा होता था वो लकड़ी का एकदम प्योर और बहुत मोटा, लेकिन वो जो बेड है ऐसे फ्लैट होता है वो खड़े में होता था यानी कि वो 3 फुट 4 फुट 5 फुट की ऊंचाई में होता था और चौड़ाई उसकी ऐसी 2.5-3 फुट की होती होगी लंबाई और चौड़ाई मिला के 2.5-3 फुट का, और वो बहुत बड़ा होता था वो भी, उसको पार्टीशन किया जाता था। तो पार्टीशन में मतलब इस तरफ गेहूँ और इस तरह धान या जो भी अनाज होता था पूरे साल भर के लिए स्टोर किया जाता था और उसमें अनाज में कभी कीड़ा नहीं लगता था, पूरे साल के लिए वो अनाज सुरक्षित रहता था। तो उसको भकार के लिए यानी कि बोलते थे वो भकार भर जाए यानी कि तुम्हारा पूरा भंडार बन जाए। तो जो वो टोकरी में जो घर में गृहिणी होती थी उस टोकरी में चावल गुड़ और उन बच्चों को दक्षिणा दी जाती थी, और जो नई टोकरी जिसकी लगती थी जो बच्चा नया आ रखा है दुनिया में तो उसकी नई टोकरी वाले को पकवान भी दिया जाता था, चावल भी दिए जाते थे और गुड़ दिया जाता था और उसको दक्षिणा भी ज़्यादा ज़्यादा मतलब दी जाती है, दिया जाता था क्या अभी भी देते, पर अब जो है हमारे उत्तराखंड में पलायन हो गया बहुत ज़्यादा, बढ़ते ही जा रहा है, उसका बहुत सारा कारण है। सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की,
हॉस्पिटल वहाँ पे हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, भले ही वो दूर दूर हैं लेकिन वहाँ पर डॉक्टर अच्छे नहीं हैं। तो आप ये बताइए, अगर कोई इंसान बीमार है, जब उसे 4-5 किलोमीटर वो जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ जाके भी उसको अच्छे से उपचार नहीं मिलेगा, फिर वो बहुत दूर यानी कि रानीखेत रेफ़र करते, वहाँ भी अगर इलाज नहीं हो पाए, फिर हल्द्वानी रेफ़र करते, वहाँ भी अच्छे से इलाज नहीं हो पाए, तो देहरादून भेजते हैं, देहरादून में भी अगर अच्छा सा नहीं हुआ तो दिल्ली या कोई और जगह ऐसे शहरों में भेजेंगे। तो आप बताइए कि उस मरीज़ का क्या हाल होगा। तो बहुत सारे कारण हैं पलायन होने का। और जो खेतीबाड़ी होती थी हमारे उधर, बहुत अच्छा अनाज उगाया जाता था, अब बारिश उस हिसाब से नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे उधर जो खेती है ना वो बारिश पर निर्भर होती है। और दूसरा, जो जंगली जानवर हैं हमारे उधर इतने ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपना जो बीज डाल रहे वहाँ पर, मान लिया उन्होंने 4 किलो 6 किलो 10 किलो जो भी बीज अपने खेत में डाला, वहाँ से वो एक बीज भी उनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जैसे ही अनाज उगता है जंगली जानवर उसे ख़त्म कर देते हैं। तो ये है हमारी फूलदेई संक्रांत के बारे में जो आप लोगों को मैंने बताया, क्योंकि मैं गांव में ही पैदा हुई थी, गांव में ही पली बढ़ी, पढ़ाई सब कुछ गांव में किया, और शादी भी गांव में हुई, और शादी होने के बाद जैसे बच्चे हुए तो उसके बाद हम शहरों में आ गए, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिखाने के चक्कर में जो भी है मतलब फिर यहीं पर रहने लग गए और गांव आते जाते हैं। लेकिन जो बचपन की यादें हैं हमारी वो हमारे सीने में हैं, और बहुत अच्छा लगता है गाँव के त्यौहारों को मनाने में। तो ये जो त्यौहार है ये छोटे बच्चों से ही खुशहाली होती है, इस त्यौहार में बच्चों का ही इंतज़ार किया जाता है, तो बच्चे जो है ना झुंड के झुंड आते हैं, तो मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे हाथ, इतनी छोटी छोटी टोकरियाँ उनके हाथों में होती है, और जिसकी नई टोकरी लगनी होती है ना, तो गांव में सबको पता होता है कि आ उनके घर में बच्चा पैदा हो गया है मतलब, तो उनकी नई टोकरी आएगी, तो उसके लिए अलग से मतलब जैसे पकवान जो मैंने आप लोगों को बताया, तो उसके लिए रखा जाता है, पूछा जाता है कि उसकी टोकरी कौन सी है, तो वो नई टोकरी होती है, बनाई भी जाती है नई टोकरी एकदम, उस पर मतलब जैसे 1 साल पुरानी टोकरी जिसकी है, जो बच्चा 1 साल का हो गया तो वो तो खुद जाएगा, उसकी बहन या भाई उसको गोदी में लेके जाते हैं, ये मेरी भाई की टोकरी है, ऐसे करके बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। तो ये है संक्रांत की बात, और मेरा हाथ शायद दिखाई दे रहा होगा, इस हाथ तो मैंने चूड़ी नहीं डाल रखी है, क्योंकि ये हाथ जो है मेरा यहाँ पर जल गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने कड़ा डाला था ना, अभी मैंने दवाई नहीं लगाई, दवाई लगाऊंगी, क्योंकि नहाई थी पूरा गीला हो गया था, तो ये कड़े से ना छिल जा रहा था, तो मैंने इस हाथ में चूड़ी डाल ली है और घड़ी डाल ली है इस वजह से, क्योंकि ये चूड़ियाँ जो है बहुत बड़ी है ना, तो यहाँ तक आ जाती हैं मेरी, तो ये चूड़ी मेरी बहू लाई थी बड़ी वाली, जो साड़ी मैंने डाली थी उसी के साथ करवा चौथ पर बिंदी चूड़ी साड़ी, और एक कोट भी दे रखा मेरे को, जो कि मैंने उनको मना किया था कितना कि भाई इसे वापस कर दो, माने नहीं, अब वो ऐसे ही रखा हुआ है। इतनी बड़ी सर्दी आई तब भी मैं नहीं पहन पाई, क्योंकि कोट घर में थोड़ा ना पहन पाऊँगी, कहीं बाहर जाऊँगी तभी तो पहना जाएगा ना, वो कोट है लॉन्ग, अच्छा तो हुआ है, वो बढ़िया है, पर घर में थोड़ी पहन पाऊँगी। तो ये चूड़ी भी मेरे से नाप पूछा था तो मैंने मना किया था, क्योंकि मेरी बहुत सारी रखी हुई हैं चूड़ियाँ, और मैं अधिकतर कड़े ही पहनती हूँ, क्योंकि हाथ पतले हैं ना, चूड़ी पहनती हूँ तो चाहे अपने साइज़ की भी लाऊँगी तो यहाँ से साइज़ बड़ा है लेकिन यहाँ पर हाथ पतला है, तो चूड़ियाँ जो है मेरी ऐसी हो जाती हैं, तो मना किया फिर भी वो ले आए, अब क्या करें पहनना तो पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर चूड़ी डाल दी है, और इस हाथ में मैंने नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना, अगर कड़ा इसमें डाल ही रखूँगी तो बार बार छिल जा रहा है, उसमें दर्द भी हो रहा बहुत ज़्यादा और खून निकल जा रहा, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा उसके बाद पहनूँगी इसमें। तो खीर तैयार हो गई है, प्रभु जी को भोग लगाती हूँ, अपने घर के मालिक मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल को, और अपने इष्टी जी को भी, और उसके बाद हम भी खीर पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, आप लोग भी आ जाइए। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।